नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल रोशनी की बात में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कैसे करें, क्या होते हैं इसके नियम। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है। व्यक्ति की मृत्यु चाहे कृष्ण पक्ष में हुई हो या शुक्ल पक्ष में, सभी की तिथि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में यानी कि श्राद्ध या पितृपक्ष में ही रहती है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण देवलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं और आपकी संतानों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर अमावस्या के दिन वापस देवलोक चले जाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या की अवधि को पितृपक्ष कहते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। ये सभी नियम बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल रोशनी की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस पर दी गई जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि श्राद्ध कर्म के क्या नियम हैं और इनका पालन क्यों करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध कैसा होना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय का बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों। पितृपक्ष में बर्तन कौन से इस्तेमाल करें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तन ही उपयोग में लाने चाहिए। अगर आपके पास सभी बर्तन न हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी जरूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष में भोजन परोसने के नियम। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन कराते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से ही पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए पात्र में परोसा हुआ भोजन राक्षसों को ही जाता है। मौन रहकर करे भोजन। शास्त्रों में उन ब्राह्मणों को लेकर भी यह नियम बताया गया है जो श्राद्ध कर्म का भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अनुसार ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर ही करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करते हैं। पितृपक्ष में चतुर्दशी पर ही करें इनका श्राद्ध। जो पितृ शस्त्र यानी हथियार आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे खुश होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए पिंडदान पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। दूसरों की भूमि पर न करें श्राद्ध। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर पर ही करना चाहिए, यानी अपनी ही भूमि पर करना चाहिए। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है, अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध में इनको भी जरूर बुलाएं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर ये नियम बताए गए हैं कि जो लोग पुरुषों के श्राद्ध में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाता, उसके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितृग्रहण नहीं करते, इसलिए हमें इन्हें जरूर बुलाना चाहिए। याचक को भोजन करवाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय पर घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। श्याम के समय न करें श्राद्ध। शुक्ल पक्ष में रात्रि में और ऐसे दिन जब दो तिथियों का योग एक ही समय बन रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर भी कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए ही होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः श्याम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में इन चीज़ों का जरूर करें उपयोग। पितृपक्ष में श्राद्ध में ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। गंगा जल, दूध, शहद, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन न परोसे। सोना, चांदी, कांसे और तांबे के पात्र उत्तम हैं। इसके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। पितरों का पसंदीदा भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें।
पितृपक्ष में भोजन के नियम। पितृपक्ष में कुत्ते और कौवे के लिए निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवे को ही खिलाएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के माथे पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े अन्न और दक्षिणा देकर आशीर्वाद पाएं। भोजन के बाद ऐसे करें विदा। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार पर पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितरलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। इस वीडियो में हमने आपको पितरों का श्राद्ध करने में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि आप इसको सही से जान गए होंगे। दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे YouTube चैनल रोशनी की बात को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद।